All of you, a very good morning to all of you. Welcome to the class. Today we will study about the chapter 15 about communicating through writing. How we communicate, how we मतलब एक हमारी बात हम दूसरे को कैसे पहुंचाते थे, either by the objects or by through writing, we will study in this chapter. Should we start? Okay. नॉलेज इज गेन्ड विद द हेल्प ऑफ बुक्स. नॉलेज किससे मिलती है हमें? बुक्स से, न्यूज़पेपर पढ़ने से, मैगजीन पढ़ने से और एक दूसरे से डिस्कशन से. इट इज़ सो टू बी शेयर्ड और ये हम शेयर करते हैं एक दूसरे में. वी शेयर नॉलेज विद अवर, हम अपनी नॉलेज किसके संग शेयर करते हैं? अपने रिलेटिव, टीचर्स, और उसमें हम एनरिच कर देते हैं पॉइंट्स और कुछ पॉइंट्स हम ऐड कर देते हैं. इसी तरह हम बढ़ते हैं और एक हम नॉलेजेबल पर्सन बनते हैं और एक अच्छे इंसान होते हैं. यू विल बी सरप्राइज, आप लोगों को सबको सरप्राइज होगा कि एंशियंट इंडिया में नॉलेज जो थी वो पास होती थी ओरली. मतलब हम अपनी बात को ओरली पास करते थे फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. इट वॉज शेयर्ड, ये शेयर की जाती थी बट विद ओनली अ फ्यू पीपल, लेकिन कुछ ही लोगों के संग. एज ए रिजल्ट, जिसकी वजह से नॉलेज वॉज एट टाइम लॉस्ट. फिर एक टाइम पे क्या होता था, नॉलेज खत्म हो जाती थी. स्लोली ह्यूमन्स डेवलप्ड सिंबल, फिर धीरे धीरे ह्यूमन्स ने अपने तरीके से सिंबल्स को डेवलप किया जो पिक्चर्स की तरह लगता था एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स टू कम्युनिकेट. अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड इन केव्स, पहले के ह्यूमन्स जो थे लिव्ड इन केव्स एंड सो ड्रू पिक्चर्स, और इसीलिए वो लोग पिक्चर्स भी बनाते थे ऑन वॉल्स ऑफ दीज केव्स. ड्राॅइंग ऑन वॉल्स ऑफ केव्स, ड्राॅइंग जो थी वॉल्स पे, जो चित्र बनाते थे वॉल्स पे, केव्स बनाते थे, हैव बीन अनअर्थेंड इन इंडिया. फ्रांस एंड अदर कंट्रीज डेट शो द सिम्बल्स वर यूज फॉर एक्सप्रेशन. जो फ्रांस में और दूसरी कंट्रीज में जो सिम्बल्स दिखाते थे वो यूज होते थे एक्सप्रेशन के लिए. नाउ द सिम्बल्स स्लोली गेव वे टू स्क्रिप्ट, फिर सिम्बल धीरे धीरे स्क्रिप्ट की तरफ बढ़ने लगा, या एक मेथड कह लीजिए लिखने का. दिस इज हाउ लैंग्वेजेस केम इन टू बींग, और फिर इसी तरह लैंग्वेजेस निकल के आए. अबाउट 5000 ईयर्स एगो, 5000 साल पहले, द सुमेरियंस ऑफ मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के सुमेरियंस जो कि अब इराक में है, वर द फर्स्ट टू डेवलप अ स्क्रिप्ट. वो लोग पहले ही लोग थे जिन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग लिखना शुरू करी थी. दे यूज्ड साइंस, वो साइन यूज करते थे. दे रोट देम ऑन क्ले ब्लॉक्स, वो क्ले ब्लॉक्स पे लिखते थे. इजिप्टियन स्क्रिप्ट्स यूज्ड पिक्चर्स, इजिप्टियन स्क्रिप्ट से वो पिक्चर और सिंबल्स को यूज करते थे. सच स्क्रिप्ट्स आर कॉल्ड हेरियोग्राफिक्स. अदर सिमिलर एग्जाम्पल, और दूसरे सिमिलर एग्जाम्पल इंक्लूड चाइनीज एंड जैपनीज स्क्रिप्ट डैट आर ऑल्सो बेस्ड ऑन पिक्चर्स एंड सिमिलर सिम्बल्स. चाइनीज और जैपनीज में भी वो लोग अपनी स्क्रिप्ट को पिक्चर्स और सिम्बल्स के द्वारा प्रेजेंट करते थे. पिक्टोरियल सिंबल्स वर डेवलप्ड एंड लेटर्स वर बॉर्न, फिर पिक्टोरियल सिंबल्स डेवलप हुए, लेटर्स निकल के आए कि लिखने का. द बेस्ट एग्जाम्पल इज द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट. हिस्टोरियंस एंड लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, हिस्टोरियंस और लैंग्वेज एक्सपर्ट्स जो थे वो ट्राई करते थे ट्राइंग हार्डर टू डेसिफर द स्क्रिप्ट. वो अपनी कोशिश पूरी करते थे कि स्क्रिप्ट को हम अच्छे से प्रेजेंट करें टू नो मोर अबाउट द सिविलाइजेशन, और सिविलाइजेशन के बारे में हमें और भी पता चले. ब्रह्मी स्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड इन इंडिया. ब्रह्मी स्क्रिप्ट जो थी वो इंडिया में डेवलप हुई है अबाउट 2000 ईयर्स एगो. सम ऑफ अवर इंडियन स्क्रिप्ट, कुछ हमारे इंडियन स्क्रिप्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम दिस स्क्रिप्ट. मतलब हमारी इंडियन स्क्रिप्ट, कुछ इंडियन स्क्रिप्ट हमारी ब्रह्मी स्क्रिप्ट से निकल के आई हैं. हिंदी इज रिटन इन देवानगिरी स्क्रिप्ट, हिंदी को उस समय देवानगरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता था. इन टूडेज वर्ल्ड मोस्ट लैंग्वेजेस यूज द अल्फ़ाबेट, आज के दौर में कई लैंग्वेजेस में अल्फ़ाबेट्स यूज होते हैं. द अल्फ़ाबेट हैज सिम्बल्स, अल्फ़ाबेट के सिम्बल्स होते हैं, एंड एवरी सिम्बल और हर सिम्बल का एक साउंड होता है. ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस दीज साउंड, ह्यूमन बींग्स जो थे वो ये साउंड प्रोड्यूस करते थे. इट इज़ बिलीव डैट द पीपल ऑफ सायरा, ये माना जाता है सायरा के लोग जो थे वो डेवलप करते थे एंड यूज द फर्स्ट सिस्टम ऑफ अल्फ़ाबेट, उन्होंने पहला सिस्टम अल्फ़ाबेट का यूज़ किया था, शुरू की थी. दिस हैपेंड मोर देन 3000 ईयर, और ये 3000 साल पहले यूज़ हुई थी. टुडे अराउंड 50 डिफरेंट अल्फ़ाबेट, और आज 50 डिफरेंट अल्फ़ाबेट सिस्टम्स के बावजूद आर यूज्ड फॉर डिफरेंट कंट्रीज, दूसरे दूसरे कंट्रीज़ में यूज़ होते हैं. द 26 लेटर्स, ऑल ऑफ यू नो दैट वी आर हैविंग अ 26 लेटर अल्फ़ाबेट लेटर्स ए टू जेड ऑफ द रोमन अल्फ़ाबेट आर यूज्ड टू राइट इंग्लिश. ये रोमन अल्फ़ाबेट जो थे वो यूज़ होते थे इंग्लिश लिखने के लिए लैंग्वेज इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड.
अ स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड. अब ब्लाइंड्स के लिए स्क्रिप्ट क्या होती थी, कैसे वो पहचानते थे कि ये वर्ड लिखा है वो वर्ड लिखा है. लाइफ वॉज डिफिकल्ट फॉर द ब्लाइंड. ब्लाइंड कौन होते हैं? दोज हु कांट सी फ्रॉम देयर आईज. यस, तो उनके लिए लाइफ जो है वो एक हेल है. लाइफ बहुत डिफिकल्ट है. अ ब्लाइंड पर्सन हैड टू डिपेंड. ब्लाइंड पर्सन को डिपेंड होना पड़ता था दूसरे के ऊपर जिसकी वो बुक्स पढ़ के उनको सुनाए. इन 1825, लेकिन 1825 में लाउस बर्ली नाम है जिन्होंने एक स्पेशल स्क्रिप्ट बनाई थी ब्लाइंड के लिए. इट वॉज मेड बाई प्रिंटिंग द लेटर. वो लेटर्स को प्रिंट करके बनाई गई थी और हर एक वर्ड को इन पैटर्न ऑफ स्मॉल डॉट, मतलब एक स्मॉल डॉट्स के पैटर्न में. दीज डॉट्स वर रेज्ड इन सच अ मैनर, और ये डॉट बढ़े ऐसे मैनर में बढ़े डेट अ ब्लाइंड पर्सन कुड फील द अरेंजमेंट. जो ब्लाइंड पर्सन था वो फील करता था इस अरेंजमेंट को. टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड को समझने के लिए, बाय रनिंग देयर फिंगर्स लाइटली, वो अपनी फिंगर्स को लाइटली उस डॉट्स पे चलाते थे ऑन देम अक्रॉस द पेज. द स्क्रिप्ट इज नोन एज बर्ली स्क्रिप्ट, और उस स्क्रिप्ट को बर्ली स्क्रिप्ट कहा जाता था. दिस इन्वेंशन मेड लाइफ इजी. ये इन्वेंशन जो था इजी, लाइफ को इजी बना दिया ब्लाइंड के लिए, लोगों के लिए. नाउ इट इज थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आर अवेलेबल इन बर्ली. कई सारी बुक्स जो हैं आजकल अवेलेबल हैं बर्ली में. देर इज़ वन फिलअप डैश स्क्रिप्ट यूज पिक्चर्स एंड सिम्बल्स. विच स्क्रिप्ट इज यूज एज सिम्बल्स एंड पिक्चर्स. So students, today we'll study till this. In the next class, we'll continue with our chapter. Till then, bye.